ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है इस वीडियो से, जिसमें हम इस वीडियो में, ये तीन पार्ट में वीडियो बनेगी केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें इस वीडियो में, इस पार्ट में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, यानी कि शुरू के चार चैप्टर्स की। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, होपफुली आप लोग ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे और इनमें से पढ़ना शुरू कर देंगे। इसका पार्ट टू आएगा जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे हम, पार्ट थ्री आएगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर इस बात का देना चाहता हूँ, सॉरी मार्क्स लिखना है यहाँ पर मेरे को, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेना इस बात की कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो गारंटेडली आते हैं, है ना। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। हर साल, तीन साल से, तीसरा साल है मेरा ये, तीन साल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, और यही बात हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टाइम पे मैं कहता हूँ। ओके, लेकिन संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे ये जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर लाया हूँ, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। लगभग 80% क्वेश्चंस इसमें से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं इस चैनल का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 के मैंने दिए थे, 2020 के दिए थे और 2021 के दिए थे। उनमें से काफ़ी कुछ आया है और आता है, लेकिन गारंटी मैं कभी भी नहीं लेता हूँ, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलेंगे, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी कुछ भी चेंज वो चीज़ वो लोग कर सकते हैं, बोर्ड वाले जो हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खुशी इस बात की हो रही है मुझे कि जो टेंथ के जो स्टूडेंट्स थे, ज़्यादातर जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो टेंथ में मुझसे जुड़े थे, उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ये हैं, वो हैं जो इस वक्त ट्वेल्थ में मेरे साथ हैं, इस चैनल के साथ में हैं और जुड़े हुए हैं, और ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी वो इस चैनल से ले रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना लंबा समय तक जुड़ने के लिए। ओके, आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब एक रिक्वेस्ट सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपन चल रहे हैं। यहाँ पर जो पहली यूनिट जो अपना सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर जो है 4 मार्क्स की ये यूनिट है। और जैसा कि अगर हम देखने पर आएंगे कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो पहली यूनिट है, इसमें चारों ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, दो आएंगे इसमें क्या बोलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और दो रिक्त स्थान, नहीं एक वाक्य वाले, यानी कि चार ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें से मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़कर जाना है। सॉरी। ओके, जो चैप्टर टू है अपना सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो है 5 मार्क्स का है, जिसमें से 1 2 मार्क्स का और 1 3 मार्क्स का चैप्टर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आएगा। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने काफ़ी छोटे छोटे जो है क्वेश्चन को यहाँ पर जो है कवर करने की कोशिश की है। इसमें आपको डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलरिटी, मोलरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी, हेनरीज लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जितने भी 5 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, इसमें से आपको 2 2 मार्क्स में या 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 2 पार्ट करके 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है अपना राउल्स लॉ और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन जितने भी है, वो तो कोई भी अपने को छोड़ना नहीं है। ये हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ इम्पोर्टेंट की वीडियोस में, तो डिफरेंस बिटवीन तो सारे ही कर लेना चाहिए हमें। नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस बिटवीन है। एक्सप्लेन बर्कले और हार्टले मेथड जो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ये वाली जो मेथड है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर लें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, ये भी अपने को कर लेना है। तो ये पहले चैप्टर के हो जाते हैं, सेकेंड यूनिट के, सॉरी थर्ड यूनिट जो है इसमें ये 5 मार्क्स की आने वाली, जिसमें से एक जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से, एक 1 वर्ड देखने के लिए मिलेगा और 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पर अपन ब्लूप्रिंट देख सकते हैं जो थर्ड यूनिट है उसकी। तो थर्ड यूनिट, एक मिनट, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। थर्ड यूनिट में ऐसा नहीं है, जो थर्ड यूनिट अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें से सिर्फ एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ओनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो गई है, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसको अपन चेंज कर लेते हैं, तो एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, इसमें आप देख लीजिए, 5 मार्क्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बन के आएगा। केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है, कई बार और ज़्यादातर देखने में ये आया है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी 2 पार्ट में करके या 5 पार्ट में करके भी दे देते हैं वो, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। तो इस वजह से हमें छोटे टॉपिक भी इम्पोर्टेंट छोड़ना नहीं है इसमें। ओके, तो पहला हो जाएगा आपका ओम्स लॉ को पढ़ लेना, जो कि अपन क्लास 10 से पढ़ते हुए आए हैं, पता ही होता है ओम्स लॉ क्या होता है। सेल कांस्टेंट अपने को पढ़ना है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि सेल जो है, ड्राई सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब सेल तो जो है डिलीटेड है। तो फिर तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेल डिलीटेड है, लेकिन ये जो सेल के बारे में जो चीज़ें हैं, मतलब सेल के स्ट्रक्चर जो होता है उसको, वो आखिरी टॉपिक है, वो डिलीटेड है, लेकिन ये चीज़ें डिलीटेड नहीं है। सेल कांस्टेंट वगैरह ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा आपने को। ओके, सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटलिक कंडक्टेंस कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसके बीच में डिफरेंस। फिर डिफरेंट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है ये, मोलर कंडक्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, इसके बीच में रिलेशन है, ये अपने को करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ले सकते हैं इसको आप। नर्नस्ट इक्वेशन जो होती है वो अपने को करना है, और कोलरोश लॉ जो होते हैं वो अपने को करना है, और उसकी अप्लीकेशन क्या होती है कोलरोश लॉ की, वो अपने को यहाँ पर करना है। यूनिट नंबर 4 जो कि केमिकल काइनेटिक्स है, जो कि 3 मार्क्स की यूनिट आ रही है देखने में, अब इसको कंफर्म कर लेते हैं अपन। तो यूनिट नंबर 4 जो है वो 5 मार्क्स की है, जिसमें से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, एक वाक्य वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और एक रिक्त स्थान देखने के लिए मिल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आएगा, इस बात को समझ लो, और वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से क्या क्या आ सकता है वो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जैसे व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, मॉलिकुलरिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जैसा मैंने बताया है आपको, डिफरेंस बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन ये देखना है अपने को। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, तो यहाँ पर राइट ये वाला है, राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन। ओके, डिराइव हुआ है, राइट नहीं है, सॉरी, ये वाली राइट की भी स्पेलिंग गलत है। ओके, तो ये जो है अपने को डिराइव, ओके, डिराइव यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन और सेकंड ऑर्डर रिलेशन, तीनों के लिए डेरिवेशन होता है रेट कॉन्स्टेंट के का, वो अपने को देखना है तीनों में से कोई सा आ सकता है। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो अपने को डिराइव करना है। ओके, और इसके अलावा जो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक हाफ लाइफ पीरियड वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट
हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये अपने को डेरिवेशन है, ये करना है. जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें अपन, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है बच्चों, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसी में से आते हैं अगर केमिस्ट्री की बात करें तो, और इसी में डेरिवेशंस होते हैं वो आ जाते हैं. तो फिजिकल केमिस्ट्री की ये जो चार यूनिट्स हैं, इनमें से जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसको एक बार बहुत अच्छे से देख लेना है अपने को. अब पाँचवीं यूनिट से लेकर तो पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं एट्थ यूनिट तक जो है, अब जो भी डिलीटेड रहेगा इसमें वो देख लेंगे अपन. इसमें ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे. फिर उसके बाद की जो यूनिट्स हैं उसमें लास्ट वीडियो में अपन बात करेंगे. होपफुली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी के साथ में किसी भी बोध में, अध्ययन में, या फिर बुक में से भी अगर पढ़ना चाहेंगे आप तो बुक में भी आप लोगों को मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.